हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 15C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ये नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन मिलेगा, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑफ होगी, इस तरीके से ऑफ होगी ना आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, और कभी भी अगर आपके फ़ोन पे अगर नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इनेबल करने के बाद ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को ना अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन मिलेगा, सबसे ऊपर सर्च आइकन, इसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, ठीक है, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।